न्यूज एट 9 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। रात 9 बजे तक की तमाम अहम खबरों की शुरुआत करते हैं और दंतेवाड़ा से एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, इसमें बात करें। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगाई है। किरंदुल SP3 प्लांट के पास ये आगजनी हुई है। दो ट्रक और एक JCB मशीन को आग के हवाले कर दिया है। मौके पर किरंदुल पुलिस रवाना हुई है। ये खबर दंतेवाड़ा से उस वक्त आ रही है जहां पर नक्सलियों ने कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। किरंदुल SP3 प्लांट के पास ही आगजनी की, जिसमें दो ट्रक और एक JCB को आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद मौके पर किरंदुल पुलिस रवाना की गई है। दंतेवाड़ा से खबर निकल के आ रही है जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से अपने करतूत को अंजाम दिया है। एक तरफ नक्सली, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किरंदुल की, जहां पर ये SP3 का प्लांट है, जहां पर वाहन जो थे उस वाहनों को आग के हवाले किया गया, जिसमें दो ट्रक और एक JCB मशीन बताई जा रही है जिसको आग लगा दी गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं INS न्यूज पर। और पंकज भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, नक्सल वारदात की खबरें निकल के आ रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? बिल्कुल, नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये जो बैलाढीला का खनन क्षेत्र है, बिल्कुल खैर बैलाढीला से लगा हुआ NMDC के प्लांट SP3 की घटना है, जहां पर नक्सलियों ने दो पोकलेन और एक JCB को आग के हवाले कर दिया है। मतलब दो ट्रक और तीन गाड़ियों को जला दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, SDOP पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ बुझाया जा रहा है। जी पंकज, इन सब के बीच क्या कुछ और भी जानकारी मिल पाई है नक्सलियों की जमावट के बारे में, या उनकी संख्या के बारे में, या और कुछ? नुकसान दहशत फैलाने के मकसद से ये काम किया गया है, या फिर और कुछ भी मैसेज इसके पीछे? बिल्कुल, नक्सलियों का दहशत फैलाने के मकसद से काम किया गया है। अभी दो दिन पहले भी नक्सलियों ने इस इलाके में पोस्टर और पत्ते फेंके थे। पुलिस की एक मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी भी बताया था। इसका मतलब आसपास नक्सलियों की मौजूदगी है। और ये जो बैलाढीला का SP3 का खनन प्लांट क्षेत्र है, ये काफी संवेदनशील इलाके में पड़ता है। जहाँ पर प्लांट है उसके ठीक दूसरे तरफ में बीजापुर का इलाका लगता है। नक्सली अक्सर उस पहाड़ की ओर से आकर के ऐसी वारदातों को NMDC के क्षेत्र में करके दहशत फैलाने के लिए अंजाम देते रहते हैं। इससे पहले भी इन्होंने SP3 में ऐसी कई वारदातें की है, जबकि बैलाढीला में वहां पर CISF भी लगी हुई है और फोर्स भी है। तो इतने नजदीक में अगर आकर नक्सली इतनी बड़ी वारदात को कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं यहाँ पर की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक होती है। जी जाहिर सी बात है, जैसा कि बता रहे हैं कि जिस तरह का बैलाढीला का इलाका है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर खनन का काम चलता रहता है, और ऐसी स्थिति में ये जो इलाका है यहाँ पर भी अगर पहुंच के नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई मौके पर, और आप बता रहे हैं कि अधिकारी भी पहुंचे हैं, तो क्या अभी स्थिति सामान्य है, आग बुझा दी गई है? अभी फिलहाल में वो तीनों गाड़ियों में आग बुझा दी गई है। हालांकि आग लगने के थोड़ी देर के बाद में फोर्स वहां पर पहुंची थी। किरंदुल TI DK बरवा के साथ SDOP देवान राठौर खुद मौके पर पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ में आग बुझाया गया, लेकिन जब तक तो पुलिस पहुंची मौके पर तब तक देर हो गई थी। और जो लाखों का नुकसान होना था वो हो चुका था, क्योंकि सारी गाड़ियां जल करके ध्वस्त हो गई थी। इस तरीके से पहली घटना नहीं है उस इलाके में। लगातार इससे पहले भी साल भर में हम देखेंगे तो वहां पर 6-7 ऐसी घटनाएं होती थी कि नक्सली पहाड़ की ओर से आते हैं और इस तरीके की खनन क्षेत्र में आगजनी करते हैं और 9-2-11 हो जाती है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दंतेवाड़ा से खबर जहां पर किरंदुल की खबर है, SP3 प्लांट है, यहां पर वाहनों को आग के हवाले किया है नक्सलियों ने, जिसमें दो ट्रक और एक JCB मशीन बताई जा रही है। फिलहाल उसके बाद जो फोर्स की टीम पहुंची उसमें किरंदुल के TI भी, माफी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी वो भी मौजूद थे, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और आग को फिलहाल बुझा लिया गया है। लेकिन इस बीच नुकसान काफी हुआ है।